हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं ग्रीन बुक के बारे में। ग्रीन बुक को रिन्यूअल बुक भी कहा जाता है, ये तो आपको मालूम ही होगा। कैसी होती है ग्रीन बुक, अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो में अच्छे से देख लीजिए। कहाँ पे फोटोज लगती हैं, कहाँ पे फादर नेम लिखा होता है, कहाँ पे एड्रेस लिखा होता है, कहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है और कहाँ पे आपका फोन नंबर लिखा होता है, कितनी फोटोज लगती है, कितने पेज होते हैं, फ्रंट पेज पे क्या होता है, कैसे सिंबल्स बने होते हैं, सब कुछ मैं आपको आज दिखा दूंगा इस वीडियो के अंदर। ग्रीन बुक के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप कॉलेज टाइम पे सुनते हैं ग्रीन बुक कैसी होती है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैसा होता है, लाइसेंस कैसा होता है, इंटर्नशिप फॉर्म कैसा होता है, इन सब के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है। वहाँ जाके डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। सारी वीडियोज़ को मैंने केयरफुली बनाया कि आपके लिए स्टूडेंट जो है वो अच्छे से समझ पाए। और हमने फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन के ऊपर एक न्यू सीरीज शुरू की है। पहली वीडियो मैंने इंटर्नशिप फॉर्म के ऊपर डाली थी, दूसरी वीडियो ये है जो मैं ग्रीन बुक के ऊपर बता रहा हूँ आपको कि ग्रीन बुक कैसी होती है। और आपको मुझसे कुछ भी पूछना हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दिया कर, जिससे क्या होता है मुझे पता चल जाता है, वहीं पे जवाब दे देता हूँ। नीचे रेड बटन दिया हुआ है जिस पर क्लिक करने चैनल सब्सक्राइब हो जाता है, सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेंगी, आप सबसे पहले मेरी वीडियोज़ को देख पाएंगे। तो ये है ग्रीन बुक, उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल लखनऊ, यहाँ लिखा है फार्मेसी रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल बुक, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको ग्रीन बुक भी हम कहते हैं। यहाँ मेरा नाम लिखा हुआ सिद्धांत अरोड़ा, और यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। इसको खोलेंगे तो हमारा यहाँ पे देखिए ये लिखा होता है, ऐसे ही आपका लिखा होता है, ब्रीफ बायोडाटा ऑफ द फार्मासिस्ट, ठीक है। नेम लिखा होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जनरल एजुकेशन लिखी होती है, ठीक है। क्वालिफिकेशन लिखी होती है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, प्रेजेंट प्रोफेशनल एड्रेस इफ एनी, ठीक है। परमानेंट एड्रेस लिखा होता है, पिन कोड लिखा होता है, रिन्यूअल फी अंडर लाइफ रिन्यूअल स्कीम रिसीव्ड ऑन, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके लिखा होता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारे ऐसे जो होते हैं पेजेस होते हैं रिन्यूअल के लिए। फर्स्ट रिन्यूअल पेज आपका ऐसा होगा, उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिखा होगा, ठीक है। ये देखिए ऐसा लिखा होता है, दिस इज़ टू सर्टिफाइड, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे इस टाइप से, ऐसे लिखा होता है। आपका नाम पूरा फिल होगा, यहाँ पे आपकी फ़ोटो चिपकती है, ठीक है। फिर उसके एक साल बाद यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, ठीक है। ऐसे ही जैसे सेम पेज है वैसे यही है। फिर उसके 5 साल बाद आपको यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, ठीक है। फिर उसके 5 साल बाद यहाँ पे ऐसे ही ये चलता रहता है। और जब बुक फिल हो जाती है पूरी, तो इसकी जगह आपको दूसरी बुक के लिए आपको जो वहाँ पे जो है फाइल करना पड़ता है अपना लेटर। तो ऐसे ही होती है ग्रीन बुक, देख लीजिए अच्छे से, ऐसे ही एक दिन आपको भी मिलेगी, आप भी फार्मासिस्ट बन जाएंगे, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने लिए। ये देखिए, आई होप आपने सब कुछ जान लिया हो ग्रीन बुक के बारे में। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, वो भी जान पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। थैंक यू।